4 जनवरी 2022 आज मैं मेरे गार्डन में लगे हुए मूली की थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग दोबारा करने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत बार हार्वेस्टिंग कर चुका हूं, जैसे कि आपसे आपके सामने है, खाली खाली सा हो चुका है। और यहां से मैं और भी थोड़ी बहुत मूली की हार्वेस्टिंग कर सकता हूं। तो जैसे कि देखिए बहुत सुंदर रिजल्ट मिला है, इससे पहले भी मैं शेयर किया था। और मैं इन सब पौधे को ऑलमोस्ट 35 से 40 दिन पहले ग्रो किया था और बहुत दिन पहले ही हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुके थे। मैं जितना जरूरत होता है घर में खाने के लिए उतना ही मैं हार्वेस्ट करता हूँ, ज्यादा हार्वेस्ट नहीं करता हूँ। और इस तरीके से बहुत सारे मूली मुझे मिल चुका है। तो आप भी चाहे तो अभी तक मूली की सीडलिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर मूली की सीडलिंग दोबारा किया था, हालांकि 20-25 दिन हो चुका है इसका भी, और ये भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। आने वाले 15-20 दिन के अंदर यहाँ से भी मुझे बहुत सारे मूली मतलब रेडिश मिल जाएगा। इस तरीके से आप भी आने वाले मार्च तक मूली की सीडलिंग करके बहुत सारे मूली पा सकते हैं छत के ऊपर। मैं मेरे कैरी के अंदर मूली के सभी प्लांट को ग्रो करता हूँ और ये मेरे 3 दफा है मैं प्लांट को ग्रो किए हुए और बहुत सारे मूली मुझे मिलने लगे हैं नवंबर से, और अप टू मार्च तक मैं इस तरीके से मूली की हार्वेस्टिंग कर सकता हूँ। क्योंकि मूली के प्लांट को ज्यादा बड़ा जगह की जरूरत नहीं है, तो आप भी इस तरीके से कैरी के अंदर या फिर 10 इंच पॉट के अंदर इसकी पॉटिंग कर सकते हैं और पा सकते हैं बहुत सारे मूली। और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत बीन्स और टमाटर की भी हार्वेस्टिंग किया हूँ, तो बीन्स के बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं मेरे दूसरे कैरी के अंदर, और कुछ प्लांट तो मेरे प्लास्टिक के कैरी बैग मतलब ग्रो बैग के अंदर भी लगे हुए हैं। तो ये मेरे 4th दफा है मैं हार्वेस्ट किया हूँ बहुत सारे बीन्स को। इसके अलावा इस कैरी के अंदर मटर के भी कुछ प्लांट है, मटर भी मुझे मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए फूल भी आ रहे हैं और मटर भी बन रहे हैं, और कुछ टमाटर के भी प्लांट है, टमाटर भी होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स को छत के ऊपर कैरी के अंदर ग्रो कर सकते हैं।